Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Aag Aatish Tehlka Andhi Toofan Mera Bhai. Literally speaking, the announcement, the biggest announcement which we were all waiting for. Aaj subah ke episode mein main ekdam niraash tha, hataash tha. Jab maine episode shuru kiya na, aap sabhi logon ko bataya kis tarah se, you know, October shuru ho gaya hai. Abhi tak koi guidelines nahi hai. Sirf West Bengal mein cinema ghar khule hai. Wahan khulenge to kya farak padega? And guys, literally speaking, sham hote hote, kehte hai na, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते. एंड गाइज, लिटरली आफ्टर ऑलमोस्ट 6 months, लास्ट पिक्चर जब हम लोग गए थे थिएटर में देखने के लिए, इरफान खान की पिक्चर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऑलमोस्ट अगले 6 महीने तक कभी मैं थिएटर में नहीं जाऊंगा. लेकिन मेरे लिए इतनी खुशखबरी नहीं है, वो क्यों मैं तुम लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मेरे सिटी में, मेरे स्टेट में नहीं होने वाला वो. लेकिन मेरा भाई, पूरे इंडिया में अभी अभी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड अ फ्रेश नोटिस. मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पे उन लोगों ने जो गाइडलाइंस है, अब गाइस 30 सितंबर का है ये कॉपी, जितने भी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्रीज है एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सबको गया है. एंड इट हैज बीन साइंड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी. ये कोई फेक न्यूज नहीं है, मैं ऑफिशियल आपको प्रेस रिलीज पढ़ के बता रहा हूँ. अब गाइस, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थिएटर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, बाकी चीजों के बारे में चलो बता देता हूँ. स्विमिंग पूल्स चालू किए गए हैं यहाँ पर. एंड गाइस, यहाँ पर सबसे पहली बात तो बात करेंगे कि सिनेमास, थिएटर्स एंड मल्टीप्लेक्सेस, यानी कि अगर आपका सिंगल स्क्रीन है तो सिंगल स्क्रीन, अगर आपका यू नो एक मल्टीप्लेक्स में थिएटर है तो वो भी, सारे की परमिशन मिल चुकी है गाइस. एंड सिनेमास, ब्रेकिंग न्यूज, इज ओपनिंग फ्रॉम द 15th of October 2020, साइंस सील्ड एंड डन. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीनों के बाद थिएटर्स खुल रहा है. किसी ने भी आज तक नहीं सोचा था कि इतने वक्त तक सिनेमा घरों को बंद रखा जाएगा. वो सिनेमा घर जो हमारी लाइफलाइन थी, यू नो, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का एक साधन था, लिटरली लोग भूल भी गए थे कि सिनेमा नाम की कोई चीज होती. लेकिन मेरा, अब उन बॉयकॉट गैंग का क्या होगा जो के BOCYTT BOYCUT BTTOCCT, ये जो बॉयकॉट गैंग, इन पे मेरे को रहम आ रहा है, दया आ रही है. जिस तरह से इन लोगों ने पूरे देश का मिल के काटा है ना, सीरियसली इनको कसम से बोल रहा हूँ, इन लोग कहीं इनकी माफी नहीं होने वाली. जिस कदर का प्रेशर, जिस कदर का मेंटल टॉर्चर अननेसेसरली हमारी इंडस्ट्री को उठाना पड़ा है इन लोगों के वजह से, बॉयकॉट गैंग के वजह से, ये फाइनली 15 अक्टूबर को इन सबका मुंह बंद हो जाएगा. जिनके पास पैसे होंगे वो जाएंगे थिएटर में, जिनको बॉयकॉट करना है घर पे बैठो, यू नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर. लेकिन मेरा भाई, सबसे बड़ी और चैन की सांस और राहत है यहाँ पर. मुझे तो लग रहा था ये थिएटर खुलेंगे तो 20% ऑक्यूपेंसी मैक्स टू मैक्स. जितने भी बड़े बड़े एग्जिबिटर्स थे जिनसे मैंने बातें की थी, उन्होंने कहा था कि सर मैक्सिमम 30 या 35% तक भी अगर हमको मिल जाता है तो हम लोग बहुत खुश होंगे. लेकिन मेरा भाई, इफ आई टेल यू के द थिएटर्स विल ओपन एट 50% ऑक्यूपेंसी, यस फ्रेंड्स, अगर आपके थिएटर में 400 सीट्स है, यूजुअली मल्टीप्लेक्सेस में होते हैं, तब आप 200 सीट्स पर अपनी ऑडियंसेस को बिठा सकते हो. ये सोने पर सुहागा नहीं, ये पूरा डायमंड, यू नो, गोल्ड प्लैटिनम मिल गया है. क्योंकि अगर आप मेरे एपिसोड्स देखते होंगे, ऑक्यूपेंसी तो मैक्सिमम वीकडेज पे कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है, 35, 40, 45, 50% पर हम बोलते थे क्या ऑक्यूपेंसी. तो कोई टेंशन नहीं मेरा भाई, 50% इज मोर देन इनफ. एंड हाँ, वीकेंड्स पे टिकट की मारामारी होगी, अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ थिएटर में बहुत जगमगाए मेरा भाई. तो अब क्या हमारी फिल्में इनको मदद करेगी आकर, क्योंकि लक्ष्मी बम 9 तारीख को रिलीज होने वाली है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो बाद में पता चलेगा. लेकिन सारे के सारे एसओपीस को मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन ने अभी तक नहीं सौंपा है उनको, जैसे सौंपेंगे वहां पर ये सारे के सारे थिएटर्स जो है वो शुरू हो जाएंगे. सो गाइस, इट्स गोना बी एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही मजेदार है ये जो खबर आई है सुन के, मैं तो बहुत खुश हूं. लेकिन गाइस, लेकिन द बिगेस्ट लेकिन इज दैट ये मेरे सिटी यानी कि मुंबई में नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में 31st of October तक थिएटर्स को बंद रखा गया है हमारे गाइडलाइंस में. तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर थिएटर्स नहीं खुलने वाले, चलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर खुल रहा है ना, दैट्स इट. थोड़ा और इंतजार कर लूंगा मैं, 31st तक इंतजार कर लेंगे, 1st November तक पूरे देश में सिनेमाघर खुल जाएंगे. लेकिन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु को छोड़ के पूरे इंडिया में थिएटर्स खुल रहे हैं. 15 तारीख को पुरानी पिक्चरें लगेगी, क्या क्या लगेगी सब मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल 15th इज द डेट मेरा भाई, आई एम वेरी हैप्पी लिटरली गाइस. बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आप कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपका है मेरा भाई, एक्सप्रेस योर सेल्फ.
सीरियसली बोल रहा हूँ, गो ऑल आउट, ऑल गन्स ब्लेजिंग। ओके गाइस, सब इसको पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसमें अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।